एक तरफ जहां बिहार में बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध राजद कर रही है, वहीं जदयू के लोग लगातार लुक छुपकर बाबा के दरबार में जा रहे हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं और वो खुलेआम बाबा के समर्थन में नजर आ रहे हैं। परबत्ता के विधायक हों संजीव सिंह या निर्दलीय मंत्री सुमित सिंह, ये सब बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने को लेकर राजद से अलग मत रखते हैं। अब इस मुद्दे पर जहां एक तरफ तेज प्रताप लगातार विवाद क्रिएट कर रहे हैं, वहीं जदयू ने स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी भी धर्म के धर्मगुरु का विरोध नहीं करेगी। बात जहां तक धीरेन्द्र शास्त्री के विरोध की है, तो जो लोग इस तरीके के आयोजन में विघ्न पैदा करते हैं वो देशद्रोही हैं। सीधे तौर पर इस बात को ना कहकर इसे परोक्ष रूप से नीतीश के मंत्री ने ये बात कह दी है कि जो लोग धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध कर रहे हैं वो देशद्रोही हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले पटना में धीरेन्द्र शास्त्री के पोस्टर्स फाड़े जाने और उनके पोस्टर पर कालिख लगाने की बात लगातार सामने आ रही थी। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए श्रवण कुमार ने ये कह दिया है कि जो किसी धर्म का विरोध करता है या धार्मिक अनुष्ठानों का विरोध करता है वो देशद्रोही होता है। सुनिए इस बयान में क्या। बिहार के 13 करोड़ आबादी में से अगर 5 करोड़ लोग भी बिहार के तिलक लगा ले और पथ पर चले तो हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता भारत। देखिए, जब देश की आज़ादी हुई थी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है और उस संविधान को मानने वाले देश में सभी लोग हैं, चाहे हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे अल्पसंख्यक हों, चाहे किसी जाति को हों, किसी धर्म के मानने वाले लोग हैं, सभी लोग संविधान को मानते हैं। और संविधान में जो बाबा साहब ने प्रावधान किया है, जो नियम बनाया है, जो कानून बनाया है, उसी से देश चलेगा। किसी पंडित और मुल्ला के कहने से देश नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। और अगर कोई पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गिरजाघर में, गुरुद्वारा में अगर कोई विश्वास रखते हैं, किसी देवी और देवता का पूजन करते हैं, तो उनकी इच्छा है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं किया जा सकता है, कोई उस पर हम लोग विवाद खड़ा नहीं करना चाहते। हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। अब तो मैंने कहा कि ये सेकुलर देश है, सभी जाति सभी धर्म को मानने वाले लोगों का देश है। और जब सभी जाति और सभी धर्म के मानने वाले का देश है तो यहाँ नफरत का वातावरण से समाज नहीं चलेगा, समाज चलेगा प्रेम से, देश चलेगा आपस में मिल्लत से, प्रेम से, भाईचारा से, जिसकी सर्वत्र ज़रूरत है। और सिर्फ अपने भारत में इसकी ज़रूरत नहीं है, पूरे विश्व के स्तर पर, दुनिया के स्तर पर प्रेम और भाईचारा की आवश्यकता है, जिसको हम सब लोगों को इसको ग्रहण करना चाहिए। बीजेपी के कई नेता, बीजेपी के कई मंत्री, कई नेता आरती उतार रहे हैं वहाँ मंच पर और नीतीश कुमार पर तुष्टीकरण का आरोप लगा। हम लोग भी आरती उतारते हैं, लेकिन हम लोग आरती उतारते हैं संविधान के हिसाब से। किसी का आदर करना खराब बात नहीं है, सम्मान करना हम सब लोग जानते हैं। और हमारी तो बिहार की परंपरा रही है, अतिथि देवो भव, जो इस धरती पर आते हैं बिहार की धरती पर, उनका सम्मान करना, उनका आदर करना, उनसे प्रेम करना, उनसे मोहब्बत करना हमारे जो धर्म ग्रंथ है वो भी कहते हैं। और बिहार की जो सभ्यता और संस्कृति है वो भी कहता है, उसके हिसाब से हम लोग आदर करते हैं। हम लोग नकली आदर करने वाले लोगों में से नहीं है। जो संविधान कहता है, जो हमारी परंपरा रही है, जो हमारी संस्कृति और सभ्यता रही है, उसको अक्षुण रखने के लिए हम सब लोग काम करेंगे। तुष्टीकरण का आरोप लग रहा है, क्या कहेंगे? फिर से बोलिए। नीतीश कुमार पे तुष्टीकरण का आरोप लग रहा है, पूरी दुनिया जानता है नीतीश कुमार जी तुष्टीकरण में विश्वास नहीं करते हैं, नीतीश कुमार जी को संविधान में विश्वास है, नीतीश कुमार जी के अपनी सभ्यता और संस्कृति पर विश्वास और भरोसा है, उसको लेकर चलते हैं। तुष्टीकरण वाले लोग तो देख ही रहे हैं कि बजरंग बली का नाम तब लेते हैं जब संकट में फंसते हैं। हम लोग तो बजरंग बली हों, चाहे जितने देवी देवता हों, सबका पूजा समान दृष्टिकोण से करते हैं और समान आदर सभी धर्म के अवलंबियों का करते हैं, चाहे मुल्ला हो, चाहे हमारे सनातन धर्म के धर्मगुरु हो, सबका हम लोग समान दृष्टिकोण से आदर करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेता जब संकट में फंसता है तब कहते हैं कि मेरी नैया पार लगा दो बाबा,
तो बाबा नकली के साथ नहीं जाने वाले हैं, बाबा असली के साथ जाते हैं। जो जो अभी कर्नाटक में वहाँ के लोगों ने, वहाँ की जनता ने जनादेश दिया, दिखा दिया कि हम लोग असली पुजारी हैं, नकली वाले के चक्कर में नहीं पड़े। अब जिनको जिनको जहाँ जहाँ सुरक्षा लेना है ले लें, हम लोग के लिए तो जनता सुरक्षा है, हम लोग के लिए जनता देवता है, हम लोग के लिए जनता ईश्वर है। हम लोग तो मैदान में हैं, हम लोग तो कोई ना सुरक्षा मांगते हैं और ना सुरक्षा लेने की कोशिश करते हैं। जिनको सुरक्षा लेना है वो जहाँ से लेना चाहे स्वतंत्र है। सर, जेडीयू के राष्ट्रीय बाबा का पोस्टर को काली कर दिया गया है, बाबा का जो पोस्टर लगा हुआ था काली काली होता गया, ये गलत काम है। किसी भी चाहे कोई धर्म मानने वाला हो, इस तरह का कृत करने वाला व्यक्ति वो धार्मिक नहीं हो सकता है, आध्यात्मिक नहीं हो सकता है, वो देशद्रोही है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र सिंह ने मुंगेर में अपने कार्यकर्ताओं को मटन और चावल खिलाया, जिसके बाद बीजेपी के नेता विजय सिन्हा का कहना है कि मुंगेर में बहुत सारे कुत्ते गायब हो गए हैं, इसकी जांच होनी चाहिए और उसको पता करना चाहिए कि किस चीज़ का मांस खिलाया गया। अच्छा, विजय सिन्हा का अगर हम लोग जवाब देने के लायक हैं, हम लोग उतना काबिल है विजय सिन्हा जितना, विजय सिन्हा जितना पढ़ा लिखा है, हम लोग तो नाकाबिल लोग हैं। अब बताइए, इस तरह का बयान किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को देना चाहिए? अगर थोड़ा सा भी सूझबूझ किसी नेता के पास है इस बात को समझना चाहिए। टीक लंबा लंबा रखते हैं और चंदन पूरा घंसते हैं और पहले 3 किलो मांस खाते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है और उनके नेता का ये सब चरित्र है। हम लोग इस सब का चरित्र नहीं है, जो हम लोग करते हैं वो आप भी देखते हैं और जो करेंगे आपको दिखा के करेंगे। हम लोग नकली चीज़ में विश्वास नहीं। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।